आज हम करने जा रहे हैं अल्फाबेट ए। अल्फाबेट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला से कहेंगे स्लैंटिंग लाइन, दिस इज कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन। पहले हम बच्चे कैसे प्रैक्टिस करवाएंगे स्लैंटिंग लाइन की, ये तो बच्चों के लिए आसान ही होगा बनाना। डॉट्स लगा देते हैं और ये बनाते जाएंगे। अब इस टाइप की स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर दीजिए। बच्चे के लिए बनाना इजी है। डॉट्स लगा दीजिए। देखिए सारा पेज मैं फिल कर लेती हूँ डॉट से ताकि आसानी से स्लैंटिंग लाइन बना सकें। अब रुदी क्या आप करने जा रहा है, रुदीप सिंह, स्लैंटिंग लाइन सेकंड पार्ट ऑफ ए। देखें कैसे बना रहा है बच्चा। स्टार्ट करो। अच्छे से फर्स्ट टाइम स्लैंटिंग लाइन बना रहा है ना। तो थर्ड पार्ट ऑफ ए इज स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन देखो रुदीप, ड्रॉ करो स्लीपिंग लाइन। अच्छा बीच में से करेगा अपनी मर्जी से, चलो कर लो स्लीपिंग लाइन। यस वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड स्लीपिंग लाइन। अब हमने पार्ट्स ऑफ ए सभी कर लिए हैं, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड स्लीपिंग लाइन। अब हम सबको ज्वाइन करेंगे कंबाइन। तो कैसे करेंगे, देखिए स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन बोथ साइड, स्लीपिंग लाइन। अब देखते हैं कि इसको कितना आया हमारे बच्चे को। इसको हम थ्री डॉट ऐसे हम डॉट्स लगा के दे देंगे बच्चे को ताकि वो कर सकें। रुदीप देखो इधर, स्लैंटिंग लाइन एंड दिस स्लीपिंग लाइन। देखो स्लैंटिंग लाइन एंड दिस स्लीपिंग लाइन। अब इसको हम ऐसे डॉट्स लगा के दे देते हैं, देखते हैं कि ये क्या करामात करता है बच्चा, कुछ आया है कि नहीं। बिना टीचर के ये बच्चा पढ़ रहा है, देखते हैं मेरे काबू आएगा कि नहीं। ऐसे करके सारे पेजेस पे डॉट लगा देते हैं। अब फर्स्ट टाइम तो हमको इसे जो है इस बेबी को हैंड पकड़ के ही करवानी है। रुदीप देखो ए वेरी गुड। नेक्स्ट
Yes.